पोर्ट फॉरवर्डिंग में डेस्टिनेशन नेट के अंदर कॉन्सेप्ट ये है कि द रिक्वेस्ट इज कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड और वो इस 1.2.1.60.50.10 पे हिट होती है, और लेट से आर डी पी की रिक्वेस्ट हिट होती है, आर डी पी 3.3.8.9 पे काम करता है, तो ये रिक्वेस्ट रिफ्लेक्ट हो जाए, डाइवर्ट हो जाए, इसका आर डी पी सेशन खोल दे 3.3.8.9, या फिर यहाँ से बैठकर हम इस मशीन को खोल सकते हैं। हमारी पी एड्रेस तो एक ही है, हम चाहते हैं कि ये राउटर पोर्ट फॉरवर्डिंग की बात कर रहे हैं, यहां से इस पर हिट करें, पोर्ट नंबर 23 यानी टेलनेट खोलना चाहे, तो ये रिक्वेस्ट डाइवर्ट हो जाए, लेट से इस राउटर का 23 पोर्ट नंबर चल जाए, यानी जो पोर्ट हिट हो रहा है वही पोर्ट फॉरवर्डिंग। इसी तरीके से एक कॉन्सेप्ट और ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि इस चूंकि यहां पे हमने कोई वेब सर्वर नहीं लगा रखा, लेकिन सिस्को के राउटर का हम क्या कर सकते हैं, एक ग्राफिकल मोड अगर खोलना चाहें तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे जाने के बाद क्या कर सकते हैं, IP HTTP सर्वर कमांड चला रहे हैं, तो पोर्ट नंबर क्या खुल जाएगा, 80 खुल जाएगा। तो अगर हम इस राउटर से इसके ऊपर रिक्वेस्ट भेजें, टेलनेट की रिक्वेस्ट भेजें, लेकिन पोर्ट नंबर 80 पे भेज दें, तो टेलनेट सेशन पोर्ट नंबर 80 पे खुल जाएगा। हम देख लेंगे इस राउटर के ऊपर एक कमांड चलाकर प्रिविलेज मोड के ऊपर डीबग आईपी पैकेट के अंदर देख सकते हैं, दूसरा देख सकते हैं शो टीसीपी ब्रीफ में देख सकते हैं कि पोर्ट नंबर 80 खुल गया होगा, यानी 80 पे सेशन खुल गया होगा। हम ये भी कर सकते हैं कि ये जो विंडो मशीन है तो यहां से रिक्वेस्ट भेज दें आईपी के ऊपर, पब्लिक के ऊपर, बाय डिफॉल्ट एचटीटीपी क्या लेकर आएगा, पोर्ट नंबर 80 लेकर आएगा, तो इसका ग्राफिकल मोड खुल जाए, तो ये क्या हो गया, पोर्ट फॉरवर्डिंग हो गया, जैसा पोर्ट आ रहा है वैसा ही पोर्ट आपके पास मशीन पे खुल रहा है, ये हुआ पोर्ट फॉरवर्डिंग, एग्जैक्टली द सेम पोर्ट। चलो आगे, दूसरा कॉन्सेप्ट है पोर्ट ट्रांसलेशन। पोर्ट जी भीष्म, कोई सवाल? पोर्ट ट्रांसलेशन में जी सर जी कोई सवाल है क्या, एक बार दोबारा से बताइएगा सर, किस चीज को, ये पोर्ट ट्रांसलेशन को, पोर्ट फॉरवर्डिंग, अच्छा पोर्ट फॉरवर्डिंग को जी, पोर्ट फॉरवर्डिंग में हमने ये कहा कि यहां से अगर हमने इसका 23 खोला तो हमने कॉन्फ़िगरेशन कर दिए कि वो इस राउटर का 23 ही खोल दे, या अगर हमने इस पीसी से कहा कि भाई इसका पोर्ट नंबर 80 खुलवाओ तो इसने 80 जो है इस राउटर का खोल दिया, ये पोर्ट फॉरवर्डिंग है। जिस पोर्ट पर रिक्वेस्ट आ रही है वही पोर्ट आपके पास हमारी लैन में रखी हुई मशीनों का खुल रहा है,
ये पोर्ट फॉरवर्डिंग का कॉन्सेप्ट है। इसको मैं इस तरह से समझूं कि हम यहाँ पे बाहर वाले मशीन को ये दिखा रहे हैं कि डीएमजी में कोई सर्वर है, डीएमजी में कोई भी सर्वर उसका एक आईपी है और उसके पोर्ट नंबर को, मतलब यूजर जो हिट करेगा उस डीएमजी के सर्वर के आईपी और पर्टिकुलर 80 पोर्ट को हिट करेगा, बिल्कुल ठीक है, बट वो रिक्वेस्ट उस पे नहीं जाकर किसी और राउटर पे या मशीन पे जाएगा जो कि उसके लिए इंटेंडेड नहीं है। वो जो रिक्वेस्ट हिट करेगा, थोड़ा सा चेंज कर लें, वो रिक्वेस्ट पालोअल्टो पे हिट करेगा पब्लिक के ऊपर, खुलेगा डीएमजी का सर्वर। वी वांट टू ओपन द डीएमजी सर्वर और वी वांट टू ओपन द कंसोल ऑफ द राउटर, हिट कर रहे हैं पब्लिक। तो सर ऐसा कब करते हैं सर? इसका कोई यूज्ड केस है? किस स्थिति में ऐसा कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे? काहे को नहीं करेंगे, एफटीपी सर्वर आपके हेडक्वार्टर में रखा हुआ है, सारे एप्लीकेशन वहीं पड़ी है, स्पेसिफिक वहां से उठानी है, क्या करोगे? राउटर जो रखा उसके लिए तो सर उसके लिए तो सर सिंपल सा चीज है कि अगर डीएमजी में कोई सर्वर है, एफटीपी सर्वर है, एफटीपी का पोर्ट और डीएमजी का जो सर्वर का आईपी है उस पोर्ट के लिए हम रूल में अलाउ कर देंगे, तो कर देंगे, तो बाहर का बंदा वो एफटीपी एक्सेस कर लेगा, तो कितने कर लेंगे भैया? वो तो प्राइवेट आईपी होगा, बाहर कैसे जाएगा? जैसे डीएमजी की जो सर्वर होगी वो तो अब एक पब्लिक आईपी से नेट होगा ना, पब्लिक आईपी से नेट होगा तो पब्लिक आईपी पे हिट करेगा, नेट का ट्रांसलेशन होगा जो भी डीएमजी के सर्वर का ओरिजिनल आईपी है उसमें, और इस तरह से वो एक्सेस कर लेगा उस पोर्ट पे और आईपी पे। यूजर को तो पब्लिक आईपी पता होगा। अच्छा ठीक है, पब्लिक की बात कर रहे हैं, अगर 10 रखे हो डीएमजी सर्वर तो कितने आईपी लोगे? 10 आईपी तो 10 ही तो नहीं ले रहे ना, हम तो एक ही आईपी पर काम कर रहे हैं। तो अगर 10 सर्वर है, 10 सर्वर पे 10 सर्विसेज अलग अलग चल रही है, तो आईपी तो पब्लिक आईपी एक ही पे हिट होगा, लेकिन पोर्ट के बेस पे वो अलग सर्वर पे रिडायरेक्ट करेगा इस कनेक्शन को। जी बिल्कुल ठीक समझा, ठीक है सर। ठीक है, नाउ कम टू दी पोर्ट ट्रांसलेशन। पोर्ट ट्रांसलेशन पे जाते हैं, पोर्ट ट्रांसलेशन के अंदर लेट से यहां से रिक्वेस्ट हिट हुई पोर्ट नंबर 23 के ऊपर, तो अगर आपने इसको यहां रिडायरेक्ट कर दिया 23 के ऊपर, फिर दूसरे अब ये चाहता है कि मैं इस मशीन को खोलूं, इसका 23 ओपन करूं, तो फिर आप यहां से क्या करोगे? 23 हिट करोगे तो रिक्वेस्ट कहां जाएगी? सेम ही एप्लीकेशन है, सेम ही एप्लीकेशन है, पब्लिक आईपी एड्रेस बाहर एक ही है। अगर हम बाहर से हिट करते हैं 23 के ऊपर, तो लेट से 23 में ये खुल गया, अभी पोर्ट फॉरवर्डिंग की अगर बात कर लें तो, और फिर ये चाहता है कि साहब मैं इसके 23 को हिट करूं लेकिन ये खुल जाए, तो ये फिर कैसे पॉसिबल होगा? क्योंकि उसकी मैपिंग तो यहाँ के साथ में, तो जब अंदर की एप्लीकेशन आपके पास सेम हो जाए तो हम क्या करेंगे? हम पोर्ट फॉरवर्डिंग ना करके, पोर्ट फॉरवर्डिंग कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन के साथ, पोर्ट फॉरवर्डिंग हो रही है डिफरेंट एप्लीकेशन के साथ, और पोर्ट ट्रांसलेशन किया जा रहा है सेम एप्लीकेशन के साथ में। अगर हम सेम काइंड ऑफ एप्लीकेशन यूज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? हमने फॉर एग्जाम्पल इस राउटर में इसको टेलनेट खोलना है, तो हमने कहा कि भाई यहां जाना है, टेलनेट का नंबर ही दे दिया, यानी आईपी ए पोर्ट नंबर ये रिक्वेस्ट ले जाएगा इसके ऊपर, इसका 23 खोल देगा,
If we are sending the request again from this external router on the public IP address of the PaloAlto, and again hum telnet karna chahte hain, to humne kya kar diya? Koi dusra port le liya. Aur ab isne iska 23 port liya. To ye kya ho gaya? Port translation ho gaya. Port translation ho gaya. Ye port kuch aur hai. और ये पोर्ट कुछ और है, ये पोर्ट कुछ और है, ये पोर्ट कुछ और है. नोट करें, पोर्ट ट्रांसलेशन में रिक्वेस्ट बाहर से आएगी सेम ही पब्लिक आईपी एड्रेस के ऊपर. जो भी आईपी होगा पब्लिक वो सेम होगा, लेकिन पोर्ट अलग होगा, लेकिन अंदर के कुछ पोर्ट और खुलेंगे. तो हमें मालूम है कि हम डबल टू डबल टू डबल टू करेंगे तो आर टू खुल जाएगा, और अगर हम ये करेंगे तो ये खुल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल किसी ने स्पीसी से इसका आर डी पी खोलना चाहा, तो उसने 40-40 पे खोला, लेकिन ये इस वाली मशीन का आर डी पी खोल देगा. इस पे 3389 पर जो इसका पोर्ट है फिक्स्ड. तो बाहर से रिक्वेस्ट बोगस फेक पोर्ट पर आ रही है, अंदर आपके स्पेसिफिक जिस पे एप्लीकेशन चल रही है वहां पर जा रही है. ये उस केस में भी वैल्यूबल रहेगा कि आपके पास दो सर्वर हैं, एक 80 पे चल ही रहा है, लोड बहुत है, एक और मेरा सर्वर बना दिया, उसका आईपी एड्रेस तो दूसरा होगा, लेकिन बाहर से पब्लिक आईपी एड्रेस एक है. अब रिक्वेस्ट अगर सेम ही पब्लिक पे हिट कराते हैं, सेम ही पोर्ट पे कराते हैं, तो पहले ही सर्वर पे जाएगा, दूसरे पे रिक्वेस्ट भेजनी है तो एक का पोर्ट नंबर 80 कर दिया, दूसरे का 80-80 कर दिया. जब पोर्ट 80-80 पर जाएगी तो सर्वर नंबर 2 पर रिक्वेस्ट चली जाएगी, और 80 पर चली जाएगी सर्वर 1 पर चली जाएगी. ठीक. तो अभी तक जो हमने पढ़ा दो चीजें वो कॉमन पढ़ी. पोर्ट फॉरवर्डिंग में पढ़ा कि बाहर से रिक्वेस्ट होगी स्पेसिफिक पीसी पर या राउटर पे चली जाएगी. पोर्ट ट्रांसलेशन में भी यही पढ़ा, आईपी एड्रेस बाहर से हिट होगा, स्पेसिफिक पोर्ट पे होगा, पोर्ट को ट्रांसलेट कर देगा, लेकिन स्पेसिफिक मशीन खुलेगी. ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए. कम टू द थर्ड कॉन्सेप्ट. तीसरा कॉन्सेप्ट जी सर. जी भाई, ये जो पोर्ट को हम जो ट्रांसलेट कर रहे हैं, इसको स्टैटिक पैड भी बोल सकते हैं? हाँ, कह सकते हो, चाहे कि स्टैटिक पैड भी बोल सकते हो, क्योंकि स्पेसिफिक मशीन आप खोल रहे हो. तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो पोर्ट ट्रांसलेशन ही है. पोर्ट ट्रांसलेशन है, लेकिन ये पोर्ट ट्रांसलेशन है विद डायनेमिक डिस्ट्रीब्यूशन. अभी तक जो हमने लिया पीछे वो ये लिया कि पोर्ट को ट्रांसलेट किया, स्पेसिफिक मशीन पर रिक्वेस्ट भेजनी है, ये हमने तय किया खुद अपने यहां से. लेकिन अब हम ये मान के चलते हैं हमारे यहां पे सेम एप्लीकेशन है और ओनली वन एप्लीकेशन है, केवल एक ही एप्लीकेशन है, सेम एप्लीकेशन है, और नंबर ऑफ सर्वर्स मौजूद हैं.
तो रिक्वेस्ट बाहर से किसी भी सर्वर पे आ जाए हमें फर्क नहीं पड़ता। नंबर ऑफ सर्वर से एक ही एप्लीकेशन को एक्सेस करना है तो ठीक है, कहीं से एक्सेस कर लिया फर्क पड़ जाए। भाई आपने वीडियो सुननी है एनसीपी की, तो अभी तो एक ही सर्वर लगा रखा है, पोर्ट फॉरवर्डिंग चल रही है। मल्टीपल सर्वर हो जाए, रिक्वेस्ट अपने आप आए, अपने आप वो डाइवर्ट करके बातचीत करने लगे, तो हम इस केस में क्या करेंगे, एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। एड्रेस ऑब्जेक्ट का और सर्विस ऑब्जेक्ट का, ये दो कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे इसके साथ में, सर्विस ऑब्जेक्ट प्लस एड्रेस ऑब्जेक्ट। बाहर से जो रिक्वेस्ट आ रही है वो एक ही सर्विस के लिए आ रही है, एक ही काम के लिए आ रही है। नीचे लैन में या डीएमसी में बहुत सारे सर्वर्स लगे हुए हैं, सब आइडियल हैं, कॉन्फ़िगरेशन है, कहीं पे भी चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये क्या होगा, अब स्पेसिफिक मशीन पर रिक्वेस्ट नहीं जाएगी, रिक्वेस्ट बाहर से आएगी। जब वो हिट करेगी यहाँ पर, हमने फॉर एग्जांपल इसका भी 23 खुलवा देते हैं, इसका भी 23 खुलवा देते हैं, इसका भी 23 और इसका भी, चार मशीनें हमारे पास मौजूद हैं। हम उसमें एड्रेस का एक ग्रुप डाल देंगे, सर्विस का एक ग्रुप डाल देंगे, रिक्वेस्ट हिट होगी पब्लिक पर आकर, किसी स्पेसिफिक का नाम नहीं है, बहुत सारे प्राइवेट के नाम है, बहुत सारे पब्लिक प्राइवेट के नाम है, बहुत सारी एप्लीकेशन उसके ऑब्जेक्ट ग्रुप के नाम बना दिए हमने। रिक्वेस्ट आएगी ये PaloAlto खुद ज़िगज़ैग ऑर्डर में, इसका ऑर्डर नहीं पता कौन सा ऑर्डर लेगा है, यहाँ भेज देगा वो चाहेगा तो यहाँ भेज देगा, वो चाहेगा तो यहाँ भेज देगा। ये कभी तो ऐसा लगता है देखने में कि राउंड रॉबिन है, कहीं लगता है कि आपके पास पहली रिक्वेस्ट यहाँ जाती है दूसरी यहाँ जाती है, ये राउंड रॉबिन है ना, राउंड रॉबिन यही है ना टेक्निक। एक में होता है कि कोई कहीं पर भी चली जाती है, तो इसमें जो है कोई भी रिक्वेस्ट कहीं पर भी चली जाती है, काइंड ऑफ ये लोड डिस्ट्रीब्यूशन की तरह कुछ काम कर रहा है। तो पहले हम लोड वो क्या नाम है पोर्ट फॉरवर्डिंग देखें, पोर्ट फॉरवर्डिंग के बाद पोर्ट ट्रांसलेशन देखें, जब वो दोनों सीख लें तो फिर इसके ऊपर आएंगे, तो ये समझ में आसानी होगी। सबसे पहली लेव हम करते हैं, ये तभी समझ में आएगा जब दो कर लेंगे। तो सबसे पहला आप डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसमें हम पोर्ट